हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर्स। पहले तो ये समझिए आपका सिलेबस में क्या क्या है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइंस है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, प्रोजेक्शन एंड व्यूज है और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये पाँच टॉपिक हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, लाइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। लाइंस में अभी एक टॉपिक बचता है, लेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेटर को इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉपिक का नाम है लेटरिंग, तो अभी उसका वीडियो मैं आपको शाम को दे दूंगा। अभी हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में। तो एक तरह से इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स, तो एक तरह से तीन आपके टॉपिक हैं ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस और ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, फिर कल मॉर्निंग में एक मॉक टेस्ट देंगे जिसमें कि 60 क्वेश्चंस होंगे और 25 मिनट्स में करना होगा, और वो वही क्वेश्चन होंगे जितना मैंने पढ़ाया है। जो टॉपिक मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चंस होंगे, 25 मिनट्स में आपको करने होंगे, वो कल मॉर्निंग में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है 30 क्वेश्चंस का, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सबसे पहले तो ये समझिए पॉइंट क्या होता है। पहली चीज़ तो ये है, पॉइंट जो होता है डायमेंशन लेस होता है। पॉइंट इज अ थ्योरेटिकल लोकेशन दैट हैज नाइदर विड्थ हाइट नॉट डेप्थ एंड डिस्क्राइब्स एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड इन टेक्निकल ड्राइंग एज अ स्मॉल क्रॉस। अब ध्यान रखिएगा, जो टेक्निकल ड्राइंग होती है, जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, वहाँ पर पॉइंट को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, वहाँ पर पॉइंट को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इस तरह से या इस तरह से। और जो ये क्रॉस होता है इसकी जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, ये 3 mm लॉन्ग होता है, 3 mm लॉन्ग। अब आप बोलेंगे कि पॉइंट तो डायमेंशन लेस होता है तो ये कैसे 3 mm हो गया। ये हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्वियस है ये है हमारा पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पॉइंट है, ये होता है डायमेंशन लेस। लेकिन जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो उसको हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है, तो रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, इसकी लेंथ होती है 3 mm। तो समझ में आ गया पॉइंट का मतलब क्या। पॉइंट ऑब्वियस है डायमेंशन लेस होता है, लेकिन जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी लेंथ होती है 3 mm, या बोल सकते हैं 1/8 inch लॉन्ग। ये आपके सामने अलग अलग फिगर्स बने हुए हैं, ये पॉइंट है जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक्सट्रूडेड पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकाला गया है। ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, एक कर्व ऐसे दिया, एक कर्व ऐसे दिया, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर एक क्रॉस लगा दिया, मतलब कि पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। ये देखिए आप, सर्कल का सेंटर है, पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है। ये लाइंस है, जब लाइंस की बात होती है तो ये एंड पॉइंट है और ये आपका मिड पॉइंट है। इसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये दो अलग अलग लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर एक क्रॉस बना दिया, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये होता है पॉइंट। अब क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया कि आपको 3-4 फिगर्स दे दिए गए, ट्रायंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, रोम्बस दे दिया, पॉइंट दे दिया, पूछ लिया कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी होती, तो ऑब्वियस है पॉइंट है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब डायमेंशन लेस है लेकिन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि स्मॉल क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी लेंथ होती है 3 mm। आगे बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होता है, लाइन का अपना एक लेंथ होता है, एक डायरेक्शन होता है। ये है लाइन, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। तो याद रखिएगा लाइन में हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइंस में भी स्ट्रेट, कर्व्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ये अलग अलग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, नॉन पैरेलल लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, टेंजेंट कंडीशन, मतलब कि कुछ आर्क दिया गया, कर्व दिया गया, ये इस तरह से लाइन, तो ये टेंजेंट है। इसके बाद ये दो अलग अलग प्लेन्स हैं, एक यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल के शेप में दिया गया है कुछ इस तरह से, और उसके बाद इसको जोड़ दिया गया है एक ट्राइंगल से कुछ इस तरह के शेप में। तो जब एक ये प्लेन है ट्राइंगल वाला और दूसरा ये प्लेन है रेक्टेंगल वाला, इनके बीच में ये लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, तो ये होता है लाइन का कॉन्सेप्ट। बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसके मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। पहले एंगल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद जो अलग अलग फिगर्स होते हैं उनको समझ लेते हैं, फिर उनके सारे फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एंगल की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल। ये क्या होता है, 90 डिग्री से कम वाले जो भी एंगल होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये जो एंगल है हमारा एंगल नंबर 1, ये क्या है, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। दूसरा आता है राइट एंगल।
राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है, ये है ये राइट एंगल। तीसरा आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जब एंगल 90 से बड़ा होता है। ये जो एंगल है, मान लीजिए एंगल नंबर वन, ये क्या है, एंगल वन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये इसको हम बोल सकते हैं 90 से बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है, ये बोल सकते हैं 90 और 180 के बीच में होता है, ये होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, 90 और 180 के बीच में होता है। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बना हुआ है, ये कितना है, 180 डिग्री, ये है हमारा स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आ जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा होता है, मतलब कि सपोज इस तरह से कोई फिगर दिया है, तो ये जो एंगल है ये कितना एंगल है, एंगल नंबर वन मान लीजिए, ये 180 से बड़ा है, एंगल वन इज ग्रेटर देन 180, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, या इसे बोल सकते हैं 180 से बड़ा 360 से छोटा, 180 और 360 के बीच में होता है, ये कौन सा एंगल होता है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक और आता है हमारा एडजेसेंट एंगल क्या होता है, और फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। एडजेसेंट का जैसे मतलब ही, एडजेसेंट मतलब कि अगल बगल वाले एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब कि सपोज कुछ ऐसे दिया गया है, ये एंगल नंबर वन, ये एंगल नंबर टू, तो एंगल वन एंड टू आर एडजेसेंट एंगल्स, और इनके बीच में एक कॉमन साइड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है, एडजेसेंट एंगल। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल वन एंगल टू, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मतलब कि एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल वन और एंगल टू का जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री। ऐसे ही होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें क्या होता है, इसमें एंगल वन और एंगल टू का जो हमारा सम होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये एंगल वन और ये मान लीजिए एंगल टू, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि ये भी तो एडजेसेंट एंगल है, ऑब्वियस है, ये देखेंगे आप सप्लीमेंट्री एंगल वाला, ये भी तो कहेंगे आप एडजेसेंट एंगल है, ये भी कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल, लेकिन जब 90 डिग्री की बात हो, मतलब कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो आपको क्या बताना है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये मत लिखिएगा एडजेसेंट एंगल, और जब सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल, बाकी सारे केस में एडजेसेंट एंगल आप बोल सकते हैं, सिर्फ 90 और 180 होगा तो आपको क्या बोलना है, कॉम्प्लीमेंट्री और साथ साथ सप्लीमेंट्री, ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल, हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, हो गया और सप्लीमेंट्री। ऐसे ही हमारा आता है वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। अब दो लाइंस हैं इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों कॉमन लाइंस हैं, ये और ये जो एंगल है, एंगल नंबर वन एंगल नंबर टू, इनको बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स। अब देखिए, आपने अगर देखा होगा कि इस तरह से कुछ दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, ये इस तरह से, और एक तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स होते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए, मान लीजिए ये एंगल वन, एंगल टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। तो देखिए, यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, ये कौन कौन से हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, जो बाहर वाले हैं, वन, टू, सेवन और एट, वन, टू, सेवन एंड एट। अब अल्टरनेट की अगर बात करी जाए तो अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, थ्री और सिक्स, ये कौन कौन से हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही फोर और फाइव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि थ्री,
एंड सिक्स और फोर एंड फाइव। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करी जाए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो देखिए यहाँ पर वन और एट, वन एंड एट, और इसके साथ साथ टू और सेवन, टू एंड सेवन। एंगल्स आपको सारे समझ में आ गए। अब थोड़ा सा कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, इनको समझ लेते हैं। देखिए ट्राइंगल दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं और पॉलीगन्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स सारे सेम होते हैं। इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, सब 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल सेम होते हैं। स्कलीन ट्राइंगल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। एक्यूट ट्राइंगल मतलब कि जो भी हमारे एंगल्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, यहाँ पर जो एक एंगल होता है ये ऑब्ट्यूज होता है, मतलब कि 90 से बड़ा होता है। क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो है स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री होते हैं। इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंथ सेम होती है और विड्थ अलग होती है, सारी साइड सेम नहीं होती है रेक्टेंगल में, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद हम बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस में देखिए क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और दो पैरेलल लाइंस होती हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, समझ में आ गया। और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। पैरेललोग्राम में देख लीजिए, पैरेललोग्राम में भी वही, रोम्बस और पैरेललोग्राम में फ़र्क क्या है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है ना ऑल साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम में ये नहीं होता, पैरेललोग्राम में कॉन्सेप्ट वही होता है कि आमने सामने की लाइंस, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, इसमें ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है। काइट में क्या होता है, काइट में आपको जो एडजेसेंट साइड होती है, अगल बगल वाली, ये और ये इक्वल होती है, ये और ये, और दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मतलब कि सेम एंगल्स या एक जैसे एंगल, ये आप देख रहे हैं ये एंगल इसके बराबर है। ट्रेपेजॉइड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ट्रेपेजॉइड में ये लाइन इसके पैरेलल होती है, और ट्रेपेजियम में क्या होता है, कोई भी लाइंस पैरेलल नहीं होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया, तीन साइड इक्वल होती है, एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। स्क्वायर की बात करें तो चारों साइड इक्वल, एंगल 90 डिग्री। इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, अगर इंटीरियर एंगल टोटल की बात की जाए तो सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो 180 डिग्री, ये कितना होता है, 360 डिग्री। और इसके बाद पेंटागन की बात करें तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री, और ये सारे एंगल्स जो होते हैं 108 डिग्री के होते हैं, ये जो भी एंगल्स हैं ये 108 डिग्री के होते हैं। हेक्सागन की बात करें तो कितना होता है, सारे एंगल्स होते हैं 120 डिग्री, 120, और जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है हमारा, 720 डिग्री, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 720 डिग्री। ऑक्टागन की बात करें तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये सारे 135 डिग्री होते हैं, और अगर इनकी सम की बात की जाए तो सम होता है हमारा 1080 डिग्री। इसके बाद डेकागन, यानी कि 10 साइड्स होती हैं, सबका एंगल जो होता है कितना होता है, 144 डिग्री, और अगर सारे एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो उनका जो सम बनता है वो बनता है 14440 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया। अब ये जितने सारे फिगर्स हैं इसके जो भी फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्राइंगल की। ये मान लीजिए ट्राइंगल दिया है, इसकी अलग अलग साइड हैं ए बी सी, ये इसकी हाइट है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास कॉपी हो तो लिख लीजिएगा। और मान लीजिए अगर आपको पैरीमीटर दे दी गई, पैरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको पैरीमीटर दे दी गई तब आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, वेयर एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये समझ में आ गया। दूसरा आता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब कि ये भी ए ये भी ए ये भी ए, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा, सारी साइड्स का सम, पैरीमीटर हमारा हो जाएगा 3a। एरिया की बात करें तो एरिया कितना होता है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। आगे आता है हमारा तीसरा फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं,
ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो पैरीमीटर इसकी कितनी हो जाएगी स्क्वायर की, 4 है, सारी साइड्स का सम होता है। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाता है, साइड बाई साइड, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। और मान लीजिए अगर आपको डायगनल दे दिया गया है, ये एक डायगनल है, तब इसका एरिया क्या हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 डी स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, अपने आप आ जाएगा समझ में। ये हाइपोटेन्यूस है डी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी कितना होता है, डी इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2a, डायमीटर होता है, सॉरी डायमीटर नहीं डायगनल, कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए। जब आप ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो डी में फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 डी स्क्वायर। डायगनल वाले भी फॉर्मूले आपको लर्न करने अच्छे से कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि डायगनल दे दिया गया तो अब पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इसके बाद देखिए आपका आता है स्क्वायर हो गया, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एक होती है, विड्थ एक होती है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। अब यहां पर भी मान लीजिए अगर डायगनल दे दिया गया तो इसका भी फॉर्मूला बता देते हैं आपको, आप लिख लीजिए। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि ए इंटू बी। डायगनल क्या होगा, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पैरीमीटर की बात करें तो पैरीमीटर क्या हो जाएगी, पैरीमीटर हो जाएगी सारी साइड्स का सम, यानी कि पैरीमीटर ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2a+b। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये हाइट दे दी एच, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू एच। ए क्या है, बेस, बेस इंटू हाइट। पैरीमीटर क्या हो जाएगा, पैरीमीटर तो इसी के जैसा होगा, सेम होगा 2a+b। पैरीमीटर हो जाएगा 2a+b। अरे ये ए है यहाँ से यहाँ तक, ये बी है यहाँ से यहाँ तक, तो ए प्लस बी, फिर यहाँ पर आया ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है, वही चीज़ सेम चीज़ है। तो कितना हो जाएगा इसका पैरीमीटर, इसका पैरीमीटर हो जाएगा हमारा 2a+b। अगला हमारा फिगर आएगा रोम्बस, रोम्बस की बात कर लेते हैं। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह का बना हुआ है, एक डायगनल होता है इसका d1, दूसरा डायगनल होता है d2, बाकी सारी साइड्स इक्वल। मान लेते हैं a है, सारी साइड्स इक्वल हैं। एरिया क्या होता है इसका, वही फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये a हो गया, हाइट हमने मान ली h, और अगर डायगनल की बात कर लेंगे, डायगनल में अगर हमें एरिया निकालना हो, डायगनल दिया हो, एरिया फाइंड करना हो, तो क्या हो जाएगा, 1/2 d1 d2। पैरीमीटर आप बता ही सकते हैं, सारी साइड्स का सम, यानी कि 4a। अब हम बात करते हैं कौन सा फिगर बचा हमारा, ट्रेपेजॉइड की बात कर लेते हैं। ये कैसा होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, आमने सामने की लाइंस, सॉरी, अब ये हमारा ट्रेपेजॉइड है। ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, ये मान लीजिए ए दिया गया है, या मान लीजिए बेस है बी और ये है ए, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, और ये मान लीजिए हाइट है इसकी एच। इसका एरिया क्या होता है ट्रेपेजॉइड का, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। सर्कल की बात कर लेते हैं, सर्कल का आप सभी को पता होगा, सर्कल की बात कर लेते हैं। ये रेडियस है आर, ये पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, यानी कि 2 times ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर में दे दिया जाए, डायमीटर दिया गया हो, तब हम एरिया फाइंड करना हो, तो क्या हो जाता है, 1/4 पाई डी स्क्वायर। सर्कमफेरेंस आपको पता है कितना होता है, 2πr सर्कमफेरेंस, यानी कि ये कितना होता है सर्कमफेरेंस,
टू पाई आर, या टू आर की जगह हम डी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं पाई डी। ये हो गया हमारा सर्कल। अब अगर एक सेक्शन दिया हो सर्कल का या आर्क दिया हो, तब हमें एरिया फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये मान लीजिए सर्कल है, ये कोई आर्क दे दिया गया है, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस है आर, ये क्या है, ये आर्क की लेंथ है। अब हमें अगर एरिया फाइंड करना हो या आर्क की लेंथ बतानी हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया के लिए क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर आर्क की लेंथ फाइंड करनी हो, आर्क की लेंथ ये कितना होता है, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। अब मान लीजिए एंगल आपको रेडियंस में दे दिया गया है, तब आप क्या करेंगे, डिग्री में दिया हो तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन रेडियंस में दे दिया गया तो उसका भी फॉर्मूला होता है रेडियंस को डिग्री में बदलने का, वो भी आप लिख लीजिए, एंगल इन रेडियंस इज इक्वल टू एंगल इन डिग्रीज इंटू पाई बाई 180। मान लीजिए एंगल दिया गया है आपको 60 डिग्री, इसको रेडियंस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर दीजिए बस ये वैल्यू 60 इंटू पाई बाई 180, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, रेडियंस में। अब हम बात करते हैं अपना अगला फिगर एलिप्स का। एलिप्स के बारे में भी आप सभी को पता होगा, एलिप्स में क्या होता है, दो एक्सेस होती हैं, एक मेजर एक्सेस होता है, ये हमारा क्या है, मेजर एक्सेस, और ये जो है ये है माइनर एक्सेस। ये लेंथ मान लीजिए, हम मान लेते हैं इसको ए और इसको बी, तो मेजर एक्सेस क्या हो जाएगा, मेजर एक्सेस जो होगा आपका क्या होगा, ये पूरी लेंथ यानी कि 2a, a प्लस a। माइनर एक्सेस की बात करें तो माइनर एक्सेस क्या हो जाएगा, 2b, b प्लस b। एरिया इसका क्या होता है, एरिया होता है पाई इंटू ए इंटू बी। एलिप्स के एरिया की बात करी जाए तो पाई ए बी, और अगर पेरीमीटर की बात करी जाए एलिप्स की, तो ये इक्वल तो नहीं होता, लेकिन हाँ इक्वेलेंट बोल सकते हैं, 2π√a² + b² / 2। ये सब बहुत आसान आसान से फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में ये सारी चीज़ें। अगला हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब भी बहुत आसान है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मान लीजिए इस तरह का कुछ क्यूब बना हुआ है, ये क्या है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो सरफेस एरिया इसका कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, सारी साइड्स का मल्टीप्लाई, बेस या लेंथ, विड्थ, हाइट सब सेम होता है, ये हो जाता है इसका वॉल्यूम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऐसे रेक्टेंगुलर सॉलिड होता है, जैसे एक क्यूब बना है ऐसे ही रेक्टेंगुलर सॉलिड होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी साइड सेम नहीं होती हैं, तो उसकी बात करेंगे तो वो कैसे, मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये आपका हो गया एक तरह से रेक्टेंगुलर सॉलिड। ये मान लीजिए बेस दिया गया है ए, ये लेंथ बोल लीजिए, ये विड्थ है बी, और ये हाइट दी गई है एच, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ए इंटू बी इंटू एच। सरफेस एरिया की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, टू टू टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस ए इंटू एच, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ए बी प्लस टू टाइम्स बी एच प्लस टू टाइम्स ए एच। टू कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी एच प्लस ए एच, ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी बात करी जाए। मान लीजिए कुछ इस तरह का सिलेंडर बना हुआ है, ये क्या है, इसका सर्कल का रेडियस है, ये यहां से यहां तक इसका हाइट दिया गया है, तो इसका सरफेस एरिया, अब देखिए एक लेटरल सरफेस एरिया होता है और एक हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, लेटरल सरफेस
एरिया। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कितना होता है, टू टू पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसी में टू टाइम्स पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं कोन की, राइट सर्कुलर कोन। तो कोन कुछ इस तरह से बना होता है, ये इसका रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये इसका हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया, ये कितना होता है पाई आर, और इसके साथ साथ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है, क्या आप देख रहे हैं इधर फिगर में, ये जो हाइपोटेन्यूस है मान लिया इसको डिनोट किया एस से, तो एस अगर हम निकालेंगे पाइथागोरस से तो क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो निकलेगा। तो यहाँ पर हम एस भी रख सकते हैं, पाई आर एस, इसी एस को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें भी वही है, टोटल सरफेस एरिया में बस पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देना है सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एस प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ एक ही सर्किल दिया है, ये आप नीचे देख सकते हैं, लेकिन जो सिलेंडर की बात करी थी यहाँ पर ऊपर भी सर्किल है नीचे भी सर्किल है, इसलिए हमने यहाँ टू टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर ऐड किया। यहाँ पर सिर्फ एक ही है इसलिए हमने ऐड किया है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको कौन समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं और क्या बचा हमारा, कोई फिगर बचा, स्फीयर बचा। स्फीयर भी आसान है, स्फीयर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर डायमीटर में दिया हो तो फिर कितना फॉर्मूला हो जाता है, 1/6 पाई डी क्यूब। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं पाई डी स्क्वायर। और कोई फिगर है, हाँ एक और इम्पोर्टेंट फिगर आपका बचता है पिरामिड, थोड़ा सा पिरामिड को समझ लेते हैं। पिरामिड में कुछ इस तरह का बना होता है, ये मान लीजिए पिरामिड है आपका, तो ये जो नीचे है ये क्या है बेस है, और ये ऊपर से यहाँ तक ये क्या है इसका हाइट है। इसका जो वॉल्यूम होता है पिरामिड का वो कितना होता है, 1/3 बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका हम कैसे निकालते हैं, जो बेस होता है बेस प्लस सम ऑफ जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ से हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो ये सारे फिगर थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब अगर आपको फॉर्मूले नहीं लर्न हुए हैं या आप उसके नोट्स चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हैं सारे जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं हमारे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, सब दिए गए हैं, सबका फॉर्मूला दिया गया है, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में सिर्फ इतना ही है और इसके अलावा ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कुछ नहीं, जो भी फिगर्स थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, एंगल्स के बारे में आपको बता दिया, फिगर्स होते क्या हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजॉइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी, और सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। फॉर्मूले का सामने आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शाम को मैं जो लेटर से रिलेटेड मैंने आपको बताया था एक टॉपिक है लेटरिंग, उसका वीडियो अपलोड करूंगा, और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे 3 चैप्टर्स पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस और ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसके आपको क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे और कल मॉर्निंग में इसका हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।